हाय फ्रेंड्स, वायरल इंजीनियरिंग चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो जल्दी पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आयुब और वायरल इंजीनियरिंग में फिर से आपको एक बार स्वागत करता हूं। वायरल इंजीनियरिंग की तरफ से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक नेम प्लेट टेबल लैम्प। ठीक है, इस लैम्प को आप कोई भी टेबल में रख सकते हैं। आपका टेबल जो है बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और आप चाहे तो इसे किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या चीज इसके लिए चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो चाहिए वो है एक, जो आप डिज़ाइन बनाना चाहते हो उस डिज़ाइन का एक प्रिंट कॉपी। ठीक है, जैसा कि मैं ये डिज़ाइन को आज इस कांच के ऊपर ड्रॉ करने वाला हूँ। ठीक है, ये मेरा टूटा हुआ स्केल है। आप चाहे तो दूसरे कांच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कांच ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, स्केल वगैरह टूटा से अच्छा होता है। तो प्रिंट किया हुआ पेपर और ये कांच, फिर लगेगा आपको ऐसा एक डिब्बा। ठीक है, जो इसके ऊपर हम इस कांच को प्लेस करेंगे। ये डिब्बा आप चाहे तो किसी फूड पेपर या सोलर का भी बना सकते हैं। ठीक है, और चाहे ये कुछ लाइट चाहिए आपको। मैंने छोटा लाइट का यूज़ किया है। ठीक है, आप चाहे तो आरजीबी लाइट का भी यूज़ कर सकते हैं। आरजीबी लाइट यूज़ करने पर आपको अलग अलग तरह की लाइट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे पास ये लाइट था, तो मैं ये यूज़ करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, और एक मोबाइल का जैक चाहिए, मतलब कि आपके मोबाइल के चार्जर के साथ ये चलेगा। तो मोबाइल जैक आपका जो चार्जर सपोर्ट करता है उसी टाइप का जैक आप ले सकते हैं। अलग अलग मोबाइल के लिए अलग अलग टाइप का जैक भी मिलता है। ठीक है, तो ये सब जो कंपोनेंट है ये आप नज़दीकी किसी इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पे ले सकते हैं। और कुछ वायर वगैरह चाहिए। ठीक है, और कांच के ऊपर ड्रॉ करने के लिए एक कोई भी नुकीला चीज़ चाहिए। तो मैं ये कंपास लिया हूँ, आप चाहे तो सुई वगैरह का भी यूज़ कर सकते हैं। और सोल्डरिंग आयरन चाहिए सोल्डरिंग करने के लिए। ठीक है, और ग्लू वगैरह का भी ज़रूरत पड़ेगा आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो डिज़ाइन वगैरह कहाँ से लें? डिज़ाइन वगैरह जो है आप गूगल में जा कर के ले सकते हैं। आप गूगल में चले जाएं, फिर यहाँ पर जो इमेज है इमेज पर सिलेक्ट करें। इमेज पर सिलेक्ट करने के बाद आपको लेटर चाहिए तो ऐसा लिखें, जैसे कि मुझे ए लेटर चाहिए तो लिखूँगा ए लेटर डिज़ाइन। ठीक है, ए लेटर डिज़ाइन बोल के सर्च करिए तो आपको जो है ए लेटर का बहुत सारा डिज़ाइन आपको मिल जाएगा। इनमें से जो भी आपको पसंद हो वो आप सेव कर लें। ठीक है, सेव करने के बाद अपना वर्डपैड खोलिए। वर्ड खोलने के बाद जो है नाम को आपका जो नाम है वो नाम को इस तरह सजा लें और सजाने के बाद जो है प्रिंट कर दें। ठीक, एक पेपर में प्रिंट कर दें। तो पेपर से आप वो जो लेटर है वो कांच के ऊपर ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, और ये आपका कंप्यूटर नहीं है घर में तो आप किसी जेरॉक्स दुकान से या जहाँ पर प्रिंट होता हो वहाँ कोई भी दुकान से आप इसे करा सकते हैं। और कोई डिज़ाइन चाहिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं डिज़ाइन पेज बॉर्डर लिख के सर्च करें तो आपको बहुत सारा जो है डिज़ाइन भी मिल जाएगा। वो डिज़ाइन भी आप ले करके जो है सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव करने के बाद जो है वर्डपैड में जाए और यहाँ से जो है उस डिज़ाइन को ले लें और उसे भी प्रिंट कर दें। साइज के हिसाब से आप ले लें और प्रिंट कर लें तो वो डिज़ाइन भी आप जो है बना पाएंगे। ठीक है, चलिए अब कांच में बनाते हैं। तो कांच के ऊपर डिज़ाइन को ड्रॉ करने के लिए पहले जो है डिज़ाइन को आप रखें किसी सॉलिड जगह के ऊपर और उसके ऊपर एक कांच सटीक से रख लें। ठीक से सेट कर लें कहाँ पर आपको डिज़ाइन चाहिए उस हिसाब से। नुकीला चीज़ लें कोई और नुकीला चीज़ से जो है धीरे धीरे सावधानी से इसे देखते हुए ड्रॉ करें। जैसे कि कांच के ऊपर से ये डिज़ाइन आपको नज़र आ रहा है तो आप आसानी से ड्रॉ कर पाएंगे, कोई भी ड्रॉ कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे जो है धीरे धीरे से आप ड्रॉ कर लें इसको, जैसा कि मैं कर रहा हूँ। ध्यान रहे कांच हिले ना। आप चाहे तो किसी क्लिप वगैरह से इसको दबा भी सकते हैं। जैसे जैसे आपको दिख रहा है वैसे वैसे आप ड्रॉ करते जाइए। इसमें थोड़ा वक्त लगता है तो धीरे धीरे इसको बना लीजिए। तो आप देख सकते हैं कांच के ऊपर जो है हमारा ये डिज़ाइन बन चुका है। ठीक है, ड्रोन का जो डिज़ाइन था वो बन चुका है। ये मैंने बस आपको दिखाने के लिए आपको बना कर के दिखाया, लेकिन मेरा जो है नाम का ये पहले से मैंने बना कर रखा है जो कि ये है। ठीक है, तो इसे मैं पहले से बना कर रखा हूँ, आप देख सकते हैं। उसी तरह से मैंने इसको भी बनाया, तो इसमें थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आपको छोटा सा जो है वो इस कांच के ऊपर बना करके दिखाया। तो आप अपना नाम का या कोई भी डिज़ाइन का ऐसे जो है बना लें पहले। ठीक है, और बनाने के बाद फिर इसको साइड कर दीजिए। बहुत ही आसान है। ये जो टिप्पा है ये टिप्पा लीजिए और इस कांच के हिसाब से इसको जो है आप थोड़ा काट लें। ठीक है, इसको जो है काट लें। फिर काटने के बाद इस कांच को ठीक से एंगल में से घुसाइए, तो जितना तक आपको घुसाना है ठीक से घुसा लीजिए। पूरा डिज़ाइन जो है आपको दिखना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे जो है आप घुसा लीजिए पूरा, और घुसाने के बाद फेविक्विक लीजिए। फेविक्विक से इसको आप फिक्स कर दीजिए। ठीक है, फेविक्विक सावधानी से डालें ताकि डिज़ाइन के ऊपर आपको कोई भी फेविक्विक ना गिर जाए। ठीक है, चिपकाने के बाद आप जो है इस पर लाइट लगाएं, लाइट ले लीजिए। बीच में जो है ऐसा होल कीजिए और इस होल में आपको लाल लाइट को लगाना है। ठीक है, तो ऐसे जो है रेड लाइट को आप यहाँ पर बीच में चिपका दे ग्लू से। ठीक है, अब इसे ठीक से ग्लू दे करके चिपका दीजिए। आप चाहे तो ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, और ग्लू गन ना हो तो आप कोई भी ग्लू का यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे तो इसको आप टेस्ट करके देख सकते हैं एक बैटरी के माध्यम से। ठीक है, बैटरी आप यहाँ पर लगाइए, तो ये हमारा लाइट जो है जल रहा है। ठीक है, आप इसे टेस्ट कर सकते हैं, और दूसरे लाइट को भी दोनों तरफ आप लगा लें, जो कि इस तरफ है एक और इस तरफ एक लगा ले आप। इस तरह से और एक तरफ भी लाइट को चिपका ले। तो लाइट तीनों लाइट हमारा लग चुका है। ठीक है, तीनों लाइट लग चुका है, और लगने के बाद आप जो वायर से वो इसका कनेक्शन कर लेते हैं। उससे पहले जो है इस जैक पिन के साथ आपको थोड़ा लंबा वायर जोड़ना पड़ेगा, तो आप जोड़ लें। इस बैटरी से मैं प्लस माइनस को चेक कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस माइनस को चेक करते हुए आप जो है जोड़ लें। तो अब जो है सोल्डरिंग पे हो गया, और हम वायर्स को ग्लू गन से चिपका दिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप इस जैक पिन को लीजिए, जैक पिन को जो हम वायर्स जोड़ चुके हैं, और आपका मोबाइल चार्जर लीजिए। तो आपका मोबाइल चार्जर लीजिए और इस जैक को आप डाल लीजिए। ठीक है, इसको जो है आप बोर्ड में लगाइए। बोर्ड पर लगाने के बाद आप वायर को प्लस माइनस चेक कर लें। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर भी देख करके देख सकते हैं। ठीक है, कि जल रहा है कि नहीं। आपको प्लस माइनस उल्टा हुआ तो नहीं जलेगा, तो आप इसे देख सकते हैं ये जो है जल रहा है। ठीक है, और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो आपका ये नेम प्लेट जो है वो रेडी हो गया, और इसे आप डेकोरेशन भी कर सकते हैं। तो डेकोरेट करने के लिए आप ऐसे फूल ले सकते हैं, जो कि यह साइड में चिपका भी सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपका एक वैसे जो है आपका नेम प्लेट रेडी हो जाएगा। तो ये जो लाइट है हमारा बन चुका है, और ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, और आप चाहे तो इसको और भी जो है डेकोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, और तो ये बहुत ही बढ़िया लाइट है, आप इसे कहीं पर सजा कर रख सकते हैं, या किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मेरे डेस्क पर इसको सजा कर रख दो, तो जो कि बहुत ही बढ़िया लगता है आपके डेस्क के ऊपर। ठीक है,